हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आज कुछ काम करना है, मतलब जो चावल होते हैं उसमें कीड़े पड़ गए। हमारे इधर तो बोलते हैं क्या, तिलूले। आप लोगों का पता नहीं पर हमारे गांव में तिलूले ही बोलते हैं, जिसके यहाँ पर जो भी बोलते हो। तो आज मुझे ना देसी स्टाइल में काम करना है, मतलब उनको निकालना है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी थोड़े हैं अब, मतलब आज करूँगी। वो कहते हैं ना कि एक एक दिन अगर सोचते ही रहो ना, सोचते ही रहते। तो मैंने सोचा कि आज कर ही दूँ। तो उन्हीं को फटकना है, बीन फटकना मतलब सूपा जो होता है उसी से। तो मुझे वैसे आता नहीं है, पर शादी हुई तब से थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, क्योंकि पहले जब गाँव में थी तो गाँव में सब लोग करते थे, और ससुराल में आई तो मम्मी करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि सब काम करना चाहिए, तो धीरे धीरे सीखना चाहिए। तो बस मैं वही करने जा रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। और अभी ना दोपहर की देख सकते 12 बजने वाले हैं, और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया। पहले मैंने सोचा है इनका काम कर दूँ, और मुझे अभी कपड़े भी डालने जाना, तो कपड़े भी डालूँगी। फिर मैंने पहले इनको फटक बीन के रख दूँ, उसके बाद ही कपड़े धुलूंगे, कपड़े डालने जाऊंगी। धुले रखे, बस डालना है। देखिए देसी जुगाड़, ये रही मेरी देसी जुगाड़। ये रहा सूपा, ये रहा डिब्बा। एक डिब्बा खाली है, एक भरा हुआ है, तो मैं फटक के इसमें एक में रख दी जाऊंगी। देख सकते किस तरीके की होती है। दिखाई दे रहा हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इस तरीके हम लोग इसे तिलूले बोलते हैं, कीड़े जो होते हैं। देखिए कितने सारे हो गए, ओह माय गॉड। तो मैं इनको ही फटक लूंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे तिलूले कैसे पड़ गए, कीड़े जो भी आप लोग बोलो। तो क्या होता है कि मेरे मायके से बहुत ज़्यादा सारे चावल मतलब आ जाते हैं, उधर होते हैं मेरे सब मायके साइड। तो जब से मेरी शादी हुई है तो हम लोगों ने कभी खरीदे नहीं है, वहीं से आ जाते हैं। तो ये भी मतलब रखे हुए थे, जब ज़्यादा चीज़ रखी रहती ना कई जगह तो मतलब हो ही जाते हैं, इतना खा पाते नहीं है। अगर बड़ा परिवार हो तो मतलब हो जाता, तो इसीलिए रखे हुए थे। तो मैंने उसको फटक के और बीन कर रख दिए, और यहाँ पर जो कीड़े थे ना पूरी दीवार पर ऊपर तक पहुँच गए थे। तो मैं उन्हीं को झड़ा रही थी, और बहुत ज़्यादा धूल वगैरह फैल गई थी, और ये मेरा पौधा लगा हुआ था तो एक दिन सूख गया। मतलब मैंने इसको निकाल के लगाया तो सूख गया। बहुत दुख होता मुझे, क्योंकि मुझे प्लांटों का बहुत ज़्यादा अच्छे लगते लगाना बहुत। तो यहाँ पे बस मैं वही तुलूलों कीड़ों को साफ कर रही थी, तो मैंने बाहर तक निकाल दिए और भर कर बाहर भी डालाई थी, क्योंकि अंदर अगर हम डस्टबिन में डालते तो वो बाहर ही निकल के आते। और मैं जब कर रही थी ना कीड़े साफ तो मेरे ऊपर आ रहे थे इधर। बस अब मैं खाना खाऊंगी, और मैंने खाना खा के मैंने सोचा कि आंगन में सफाई कर दूँ। वैसे तो मैं झाड़ू पोछा सुबह ही लगा लेती हूँ, मॉर्निंग में जब सबसे पहले उठती हूँ तो झाड़ू पोछा लगाती हूँ, और उसके बाद नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर खाना पीना होता है हमारा। लेकिन यहाँ पर ये गद्दा डला रहता तो लेटे रहते, तो इस वजह से इतनी सी जगह में नहीं लग पाता पोछा झाड़ू। तो मैं बगल से साइड से लगा ले जाती पोछा, ले जो लोग नीचे रहता उसके नीचे नहीं लग पाता, तो इसलिए मैं भी लगा रही थी। और शायद आप लोगों को आवाज़ अगर आ रही होगी जो मैं वॉइस डाल रही होंगी, क्योंकि इन्वर्टर की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी लगा दूँगी, क्योंकि जब उठ जाते हैं सब लोग चले जाते हैं तो इसको हटा के मैं बाद में ही करती हूँ सफाई। तो यही है, और वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा हो ही जाता है, तो बस मैं झाड़ू पोछा लगा लूँगी। और इसके बाद अभी मेरे कपड़े भी डले हुए हैं, तो मैं कपड़ों को भी डालने जाना है मुझे। अभी ना मेरे दिन ही ख़राब चल रहे हैं, शायद जो नक्षत्र बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सच बोल रही हूँ मैं, पर्सनल लाइफ में मतलब कुछ भी काम करती हूँ तो बिगड़ ही जाता है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है मुझसे।
तो मैंने यहाँ पे पंखा भी चला दिया था और कूलर भी ऑन कर दूंगी कि ताकि जल्दी से सूख जाए। तो मैं यहाँ पे फिर से बिस्तर लगा दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस सब लोग दिन भर यहीं पर, मतलब जो भी मैं रहती हूँ या मेरी बेटी, तो हम लोग यहीं पर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं जब काम से फ्री हो जाते हैं। तो बस यहीं पर जल्दी से मैं फिर बिस्तर लगा दूंगी, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी सी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो हमारी फैमिली मेम्बर ही हो जाता है, और मेरे लिए यूट्यूब भी मेरा फैमिली मेम्बर ही बन गया। तो मेरा क्या हो रहा, क्राइम मास्टर बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, और एक दो मैंने अभी एडिटिंग की उसके बाद थोड़ा और किया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, फिर बाद में ठीक हो जाता, समझ में नहीं आ रहा क्या हो जाता है क्या नहीं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और प्रॉब्लम हो तो बहुत बुरा लगता है। और मेरे साथ क्या हो रहा, मेरा ऐसे कैमरा पता नहीं कौन सी सेटिंग या क्या हो गया, तो जो वीडियो क्वालिटी है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सामने मच्छर घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हूँ मैं अभी, इसलिए मैंने बोला कि मेरे दिन ही ख़राब चल रहे हैं अभी। तो कोई नहीं, तो सब ठीक, जो अच्छा होता है तो अच्छा, अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कोई नहीं। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बिछा लूँगी, और अभी मुझे कपड़े डालने जाना है, बाकी का झाड़ू वगैरह रूम में, क्योंकि रूम में मैं सुबह के टाइम नहीं जाती हूँ, दोपहर या शाम के टाइम ही जाती हूँ, नीचे सुबह कर लेती हूँ, एक साथ इतने ऊपर नीचे नहीं होता, बहुत टाइम हो जाता, खाना भी बनाना होता है 10 बजे तक, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता, तो इस वजह से मैं उसको बाद में ही करती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर सब बिस्तर वगैरह लगा दिया और मुझे ऊपर छत पर कपड़े डालने जाना। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू आया करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मैं भी सबको फुल सपोर्ट करूँगी, ऐसा नहीं है। और आई होप आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और चाहते हो कि अच्छे अच्छे वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।